एक संत, एक ऋषि, एक बिल्कुल अलग अर्थ में बालक के समान हो जाता है। वह अतिक्रमण कर चुका होता है, मन से परे हो गया होता है, क्योंकि उसने इसकी व्यर्थता को समझ लिया होता है। उसने इस संसार में एक सफल मनुष्य बनने के समस्त अर्थहीनता को समझ लिया होता है। उसने वह इच्छा त्याग दी होती है, दूसरों पर प्रभाव डालने की इच्छा, सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण बनने की इच्छा, अहंकार को पूरा करने की इच्छा। वह इसकी पूर्ण व्यर्थता को पार कर चुका होता है। बस इसी समझदारी से अतिक्रमण होता है। ये समझदारी और तत्काल व्यक्ति अलग आयाम में परिवर्तित हो जाता है। तब फिर से एक बचपन आता है, जिसे दूसरा बचपन कहा जाता है। हिंदुओं ने उस अवस्था को द्विज, दो बार जन्म लेने वाला कहा है। तुम फिर से जन्मे, लेकिन यह एक अलग जन्म है, किसी पिता और माता से नहीं, ये तुम्हारा स्वयं के आत्मा से है। दो शरीरों के मिलन से नहीं, द्वैत से नहीं, तुमने अपने स्वयं के माध्यम से खुद को जन्म दिया। जीसस क्राइस्ट के जन्म का अर्थ भी यही है। कहते हैं उनका जन्म एक कुंवारी माँ से हुआ, लेकिन लोग सब कुछ लिटरल रूप से लेते हैं और फिर उसे चूक जाते हैं, उसके प्रतीकों को नहीं समझते। कुंवारी से जन्मा मतलब एक से, दूसरा वहाँ नहीं है, तो इसे कौन दूषित कर सकता है, इसमें कौन प्रवेश कर सकता है। कुंवारापन पूर्ण रूप से शुद्ध रहता है, क्योंकि वहाँ कोई दूसरा नहीं है। जब दूसरा होता है तो तुम अपने कुंवारापन खो देते हो। अगर मन में दूसरा है तो तुमने मासूमियत खो दी है। तो दूसरे की चेतना, दूसरे की इच्छा, कुंवारापन खोना है, अपनी इनोसेंस को खोना है। ये दूसरा जन्म दो के पार है, डुअलिटी के पार है, लेकिन पहला जन्म सेक्स से होना बाध्य है, और कोई रास्ता नहीं हो सकता। हर बच्चे का जन्म सेक्स से ही है, दो के मिलन से है, इसलिए उसमें डुअलिटी है, द्वैत है। जीसस बीज रूप में तुम्हारी तरह है, लेकिन खिलने में वह पूरी तरह से अलग है, क्योंकि एक दूसरा जन्म हुआ है, एक नया मनुष्य जन्मा है। मरियम से जन्मे जीसस अब वहाँ नहीं है, उन्होंने स्वयं को जन्म दिया है। पुराने एशियन संप्रदाय में कहा गया है कि जब एक व्यक्ति परिवर्तित होता है तो वह अपना स्वयं का पिता बन जाता है। यही अर्थ है जब हम कहते हैं जीसस का कोई पिता नहीं है। इसका मतलब है अब जीसस अपने स्वयं के पिता बन चुके हैं। ये विचित्र लगता है, लेकिन यही सच है। दूसरा जन्म द्विज का जन्म है। दोबारा से तुम मासूम हो गए, खोई हुई इनोसेंस वापस आ गई, और ये मासूमियत एक बच्चे की मासूमियत से अधिक है, क्योंकि बच्चे को अपनी मासूमियत खोनी होगी। ये प्रकृति की भेंट है, ये बच्चे द्वारा अर्जित नहीं की गई है, इसलिए इसे ले लिया जाना है। जब बच्चा बड़ा होगा तो वह अपनी मासूमियत खो देगा, और उसे बड़ा होना है। लेकिन एक संत का भोलापन सदा बना रहता है, उसको छीना नहीं जा सकता, वो एक अर्जन है, संत ने इसे कमाया है। जब हम टैरो के जगत की बात करते हैं, उसमें भी पहला कार्ड फूल अपने भोलेपन, अपनी मासूमियत के साथ अपनी यात्रा शुरू करता है और धीरे धीरे खो देता है, लेकिन जैसे जैसे मंजिल करीब आती है, वो इस इनोसेंस को दोबारा क्लेम कर लेता है, जिसको हम कार्ड ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। टैरो की यात्रा एक फूल, जिसको कहें एक मूर्ख की यात्रा है, और यही मूर्ख एक दिन बुद्धत्व को प्राप्त हो जाता है। हम इस जगत में इस मूर्ख, इस फूल की तरह आते हैं, और सभी की मंजिल वो परम सत्ता है, अपने को दूसरा जन्म देने की है, द्विज होने की है, अपनी इस संभावना को जरूर साकार करना। प्रणाम।